हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलकर बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं सेट से रिलेटेड कुछ स्पेशल न्यूज। जी हां, कोविड के चलते जैसे आप लोगों सभी को पता है कि बैक टू बैक एक एक सेट पे ऐसी न्यूजें आ रही हैं, कभी मेरे साईं, कभी भाभी जी और अब कसौटी जिंदगी के सुपरस्टार पार्थ समथान जी। जी हाँ, उन्हें भी कोविड-19 पॉजिटिव वो निकल चुके हैं और उसके बाद इतना ज्यादा हंगामा हो चुका है पूरे टेलीविजन में, क्योंकि कसौटी जिंदगी का एक पॉपुलर शो है वो और पार्थ समथान वैसे भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। जब उनकी बात ये डिक्लेयर हुई कि भैया कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद कसौटी जिंदगी के जितने भी स्टार कास्ट हैं सबकी तो हवाइयां उड़ गई थी कि अब हमें जाके सबसे पहले टेस्ट कराना पड़ेगा। और उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला, पर एक डर उनके अंदर लगा हुआ है क्योंकि सब ये जानते हैं कि कोरोना 3 दिन 4 दिन कितना भी वक्त लेता है उभरने के लिए। पर इसी के चलते एक चीज और स्टार के अंदर एक तरह से डर बैठ गया है कि भैया ये चीज कभी भी और कहीं भी हो सकता है, जिसके चलते जब पार्थ का ये न्यूज सामने आया, एकता हो चाहे करण पटेल हो, उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी जल्दी ठीक होने के लिए, हीना खान है, हर किसी ने उनके लिए ट्वीट किया, नीति ने उनके लिए ट्वीट किया कि जल्दी आप ठीक हो जाइए। उसी के चलते करण ने इस बात को कह दिया कि वो 14 दिन सेट पे नहीं जाएंगे, उनकी जिंदगी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जहां मिस्टर बजाज का रोल करण सिंह ग्रोवर प्ले कर रहे थे, उनकी वाइफ एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने भी एक पोस्ट करके एक बात बहुत अच्छी उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कहा है कि जो भी एक्टर होते हैं उनकी सेफ्टी का क्या है, क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ वहां पर होते हैं, पर एक्टर विदाउट मास्क वहां पर एक्टिंग करता है, इतना भी क्या जिंदगी से बड़ी कोई चीज है कि आप एक्टिंग या आप शूटिंग थोड़े वक्त के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि एक्टिंग और शूटिंग ये सारी चीजें बाद में भी हो सकती है, जिंदगी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। जिस चीज पे उन्होंने पोस्ट किया उस पर एकता कपूर ने भी ये बात कहा कि हम पूरी सेफ्टी का ध्यान रख के ही शूटिंग करते हैं, कभी भी ऐसी चीजें नहीं होती है कि हम सेफ्टी ध्यान में ना रखें। वहीं पर ऐसे बहुत सारे सेट से ये न्यूज भी आ रही है कि एक्टर कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ये चीज ना हो जाए कि वो विदाउट मास्क काम कर रहे हैं और कहीं से भी चीजें हो जाती है, क्योंकि पार्थ के इस न्यूज के बाद तो सब लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिल चुके हैं कि क्योंकि उसके पहले बच्चन फैमिली का न्यूज सामने आया था, फिर पार्थ का भी उसी दिन न्यूज सामने आ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को एक तरह से डर बैठा चुकी है कि शूटिंग सच में शुरू होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, जिसपे अब एक तरह से चीज हो चुकी है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में है कि अगर वो शूटिंग को बंद करना चाहते हैं कुछ दिन के लिए तो वो बंद कर सकते हैं, और जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए, जब चीजें अच्छी हो जाए, उसके बाद आप वापस शुरू कर सकते हैं। वेल, अब तक किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से ये न्यूज नहीं आई है कि वो अपना सेट बंद कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, पर आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का डर एक्टर्स के बीच में बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही सारे एक्टर अपना कदम पीछे ले रहे हैं, भैया पहले जी लें उसके बाद एक्टिंग कर लें। वेल, ये तो थी मेरी एक्सक्लूसिव अपडेट कोविड को लेकर, जो सेट पे इतना ज्यादा एक डरा हुआ माहौल बनाया हुआ है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बॉलीवुड के साथ।